औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल बी फाइन एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू डू आर असेसमेंट शीट सॉल्विंग सेशन क्लास 7 लेक्चर नंबर 30। सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। बेटा आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो आपको आपकी वीडियो जो है वो टाइमली मिलती रहेगी। बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन से दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। लेट्स सी द लेक्चर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यूज, एडजेक्टिव इज यूज्ड टू ऐड समथिंग। ऑप्शन ए, नेम ऑफ एन आइडिया और स्टेट। ऑप्शन बी, इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो बेटा हमारा जो पहला एमसीक्यूज, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन है, राइट। सेकेंड एमसीक्यूज देखिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉमन नेम। तो हमारा जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो किससे बनता है, उसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम से वो जो है बनता है। एमसीक्यूज 3 देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिनोट्स। ऑप्शन ए है नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ऑप्शन बी है द क्वालिटी, वीकनेस एंड स्टेट ऑफ पर्सन। इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा द क्वालिटी, वीकनेस एंड स्टेट ऑफ अ पर्सन। 4 एमसीक्यूज देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिनोट्स। ऑप्शन ए है द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया, और ऑप्शन बी हमारे पास जो है द क्वालिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो हमारे ऑप्शन में मौजूद है उससे रिलेट करता है, हम फौरन उसको गेस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा वो क्या है, क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमने आपको कहा है कि शॉर्ट आंसर, आपने शॉर्ट आंसर्स के जो है, शॉर्ट आपको क्वेश्चन दिए उसके आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पोजेसिव एडजेक्टिव विद एग्जांपल। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है हम जो चीज अपनी मिल्कियत में रखते हैं, जो हमारी मिल्कियत होती है, जिसके हम मालिक होते हैं, उसकी डेफिनेशन आप उसने आपको दी है, इट डिनोट्स पोजेशन। ये मिल्कियत को इंडिकेट करता है, आपकी जो चीज आपके पास है जिसके आप मालिक है उसको ये जाहिर करता है। एग्जाम्पल क्या होती है, माई आवर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन डिमॉन्स्ट्रेट एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल। डिमॉन्स्ट्रेट एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। तो इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड, यानी जिस शख्स या चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं उसके लिए आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो इस्तेमाल होता है। उसकी एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस, दैट, सच। आप इसको इसकी जगह दीज भी होता है और दोज भी होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, डिफाइन प्रॉपर एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल। हमने प्रॉपर एडजेक्टिव को डिफाइन करना है, उसमें आपका आएगा इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो प्रॉपर नाउन से फॉर्म्ड होता है, प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है, ठीक है, उससे बनता है। उसकी एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है, पाकिस्तान, इंग्लिश। जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की सॉल्विंग सेशन की जो शीट है ये आपको समझ आ गई होगी। आपने अपनी शीट के ऊपर इसको सॉल्व करना है, इसको लर्न करना है, और ये आपके लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगी। हम दोबारा मिलेंगे, फी अमानुल्लाह।